हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा ये आर.एस. अग्रवाल, आप देख सकते हैं, न्यू एडिशन बुक है क्लास टेन वाले के लिए। और यहाँ पर हम पिछला जो चैप्टर है हम कर चुके हैं, आपका एक्सरसाइज 10 ए पूरा 31 तक हम कर चुके हैं। और आज हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम काफ़ी हार्डवर्क करते हैं, और इस वीडियो के लिए एक लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ़ टैन थीटा बराबर 8/15 देन कॉसेक थीटा बराबर वाट। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। टैन थीटा बराबर 8/15 और कॉसेक थीटा बराबर, आपको पता है टैन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। तो यहाँ पर h बराबर निकाल सकते हैं, h बराबर क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ पर रूट कितना हो गया, 289। तो 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा एच बाय पी होता है। तो यहाँ पर पी कितना है, एच कितना है 17 और पी कितना है 8। तो इसका आंसर हो गया 17/8। तो इसका सही जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी। इफ़ क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है, इफ़ टैन थीटा बराबर रूट 3 देन सेक थीटा बराबर 1, सॉरी सेक थीटा बराबर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, टैन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, रूट 3, इसके नीचे कुछ नहीं छुपा है, तो 1 छिपा हुआ मान ले। टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, जब पी और रूट 3 है और बी 1 है तो एच निकाल लीजिए, तो एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, रूट 3 का स्क्वायर आपको सॉल्यूशन थोड़ी दिखाना है, यहाँ पर आपको तो कौन सा सही ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। तो रूट 3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस 1 यानी 4, अंडर रूट 4, तो 4 का स्क्वायर 2 हो गया। आपको यहाँ पर सेक थीटा बोला, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, आपका सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी। तो एच कितना है, 2 है, और बी कितना है, तो यहाँ पर बी है आपका 1, तो 2/1 यानी 2 इसका आंसर हो गया। तो सेक थीटा बराबर 2, तो इसका सही आंसर है 2। यहाँ पर थर्ड नंबर में दिया है कॉसेक थीटा बराबर रूट 10 देन सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो देखो, कॉसेक थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये कॉसेक थीटा बराबर रूट 10 गिवेन है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 छिपा हुआ है। आपको पता है कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई पी, यानी कहीं ना कहीं h बराबर आपको रूट 10 गिवेन है और p बराबर 1 गिवेन है। आपको पता है यहाँ पर आपको b निकालना, तो b बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10 माइनस 1, ये रूट 9, रूट 9 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, यहाँ पर आपको बोला है sec थीटा, sec थीटा मतलब कितना, h बाई बी। तो h कितना है, रूट 10, और b कितना है 3, तो रूट 10/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूट 10/3, कौन सा, रूट 10/3, ये वाला, ठीक है। नंबर बोल रहा है इफ़ sec थीटा बराबर 25/7 देन sin थीटा बराबर क्या। तो देखो, sec थीटा बराबर 25/7, यानी कहीं ना कहीं sec थीटा बराबर क्या होता है, h बाई बी, यानी h का वैल्यू आपको 25, b का वैल्यू p निकालना, तो p बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर h का वैल्यू कितना है, 25 का स्क्वायर, और b का वैल्यू 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर आपका 625 और 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पर 15 में 9 गया 6 और 11 में 4 गया 5, 7 576 का स्क्वायर रूट 24। तो यहाँ पर आपको बोला क्या है निकालने, साइन थीटा निकालने बोला। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, पी कितना निकला 24 और एच कितना है 25, तो 24/25 इसका सही आंसर होगा, यानी ये वाला ऑप्शन बी, ठीक है। पांच नंबर में दिया है साइन थीटा बराबर 1/2 तो देन कॉट थीटा बराबर क्या। साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 1/2, वन बाई साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, यानी पी बराबर 1, एच बराबर 2, तो b बराबर कितना होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h का कितना वैल्यू, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 4-1 3। कितना बोला है, साइन थीटा, कॉट थीटा बोला है, तो कॉट थीटा आराम से निकाल सकते हैं आप, कॉट थीटा बराबर होता है b बाई पी। तो b कितना है, यहाँ पर रूट 3 है, और p कितना है, तो p यहाँ पर 1 है, रूट 3 बाई 1 यानी रूट 3। तो इसका आंसर जो सही आंसर होगा वो रूट 3 होगा। यहाँ पर सिक्स नंबर बोल रहा है कॉस थीटा बराबर 4/5 देन टेन थीटा बराबर वाट। तो ये भी आप बना लेना, ठीक है। सेवन, इफ़ टेन थीटा बराबर 4/3 देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वाट, चलिए बराबर वाट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टेन थीटा बराबर कितना है, 4/3 है, टेन थीटा बराबर होता है बी बाई पी, तो एच निकाल लीजिएगा, एच बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि
चार का स्क्वायर और तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर 16 + 9 यानी हो जाएगा आपका 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। अब यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बोला है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, पी कितना है 4/5 और बी बाई एच मतलब 3/5, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 7/5 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है इफ टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 देन टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। तो यहाँ पर टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको यहाँ पर 5, तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू क्या होगा। ध्यान रखना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टैन थीटा इस पूरे का स्क्वायर, कॉट थीटा इस पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है ये फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 टैन थीटा बरा इंटू कॉट थीटा। तो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पर 5 ऑलरेडी गिवेन है। ध्यान रखिएगा टैन थीटा ऐसे लिखिए, और ये जो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan θ, याद रखिएगा कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan θ के बराबर, कॉट थीटा बराबर 1/tan θ, याद रखिएगा ये चीज़, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। और टैन थीटा बराबर होता है 1/cot θ, तो टैन थीटा कैंसिल, 25 - 2 यानी हो गया 23 इसका आंसर 8 नंबर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा 9 नंबर भी उसी तरह बनेगा, तो हम 10 नंबर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, 4 tan θ = 3, तो आपको यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ध्यान रखना टैन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, तो टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, तो यहाँ पर एच निकाल लेंगे आराम से, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3² + 4² यहाँ पर 9 + 16 हो जाएगा आपका 25, तो 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, या सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, तो बी कितना है यहाँ पर 4 है और एच 5, 4/5 का स्क्वायर, ये डायरेक्टली डाल दो 4/5, यहाँ तो सॉल्व करके दिखाना नहीं है, कौन सा ऑप्शन मांग रहा है, कौन सा सही ऑप्शन है वो आपको करेक्ट करना है, इसलिए इतना टाइम लेना नहीं है, थोड़ा सा शॉर्ट बनाना। यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू द पी बाई एच यानी 3/5 इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर 16/25 - 9/25, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 14 = 16, 7/25 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 4 cot θ = 3 देन आपको निकालना है sin θ - cos θ / sin θ + cos θ, इसका वैल्यू आपको चाहिए। सिंपली cot थीटा बराबर कितना होगा, तो 3/4, आपको ऐसे पता है cot थीटा बराबर क्या होता है, b बाई पी यानी b का वैल्यू दिया हुआ, h निकालना है, तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4² + 3² 16 × 9 = 25 √5, यहाँ पर साइन थीटा यानी p बाई एच, पी बाई एच मतलब कितना 4/5, cos थीटा यानी b बाई एच यानी 3/5, तो यहाँ पर दो बार वही चीज़ लिखना है, सेम चीज़ बस साइन प्लस का रहेगा, सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 4 × 3 = 2/5 इंटू 5/4 = 7, 5 कैंसिल इसका सही आंसर हो जाएगा 2/7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 3 cos θ = 2, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 2/3 यानी कि b बाई एच। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला है 2 sec² θ, अच्छा b और h दिया हुआ है, तो p निकाल लीजिएगा, h² - b² 3² - 2² 9 - 4 = 5, तो √5, यहाँ पर आपको बोला है 2 sec² θ + 2 tan² θ - 7 इसका वैल्यू निकालने, तो आपको पता है कि sec थीटा बराबर क्या होता है, तो sec थीटा बराबर होता है h बाई बी, तो 3/2 का स्क्वायर और 2 tan² θ, tan थीटा का वैल्यू होता है p बाई बी यानी √5/2 इसका स्क्वायर कर दो -7, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 9/4 प्लस 2 × √5² 5/2 का स्क्वायर 4 -7, 2 × 4 यहाँ पर हो जाएगा 14/2 -7, तो 2 × 7 = 7 में 7 = 0 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर
13 है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 बराबर 0 है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका इतना बराबर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। आगे हमको याद रखना है ये वाला, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करना है। तो हम देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर माइनस 1 हुआ, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड के नीचे 1 छिपा हुआ, तो क्या इसको लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बराबर माइनस 1। अब ध्यान रखो ये कैसे लिख सकते हैं, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, याद रख लीजिएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला चीज़ याद रख लीजिएगा। अब इसी से ये हुआ, ठीक है, तो ये यहाँ पर हम नीचे समझे कि कुछ नहीं छुपा हुआ, तो 1 छुपा हुआ, 1 की जगह ये चीज़ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब देखो, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी यानी सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर कितना, माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर ये वाला कट गया, तो हमारा आ गया कितना, 1 बाई सेक थीटा प्लस सॉरी माइनस टैन थीटा बराबर माइनस 1। तो यहाँ पर हमको किसका वैल्यू एक्चुअली निकालना है, तो सेक थीटा का निकालना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका बराबर माइनस 1। ठीक है, क्लियर। 14 नंबर में बोलता है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आपको निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू दी पावर 4 इस ए, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। आप ध्यान रखना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर इस प्लस को इधर लेते आते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला याद रखिएगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, ये तभी होगा जब यहाँ पर अगर एंगल ए है तो यहाँ पर भी एंगल ए होना चाहिए, अगर यहाँ पर एंगल एक्स है तो यहाँ पर भी एंगल एक्स होना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या कह सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बराबर क्या कह सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए इसको लिख सकते हैं इस तरह से, साइन स्क्वायर ए इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को रहने दो, और आपको पता है साइन स्क्वायर ए बराबर कितना है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर है कॉस ए, तो कॉस ए इस पूरे का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको इसी तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से, तो इसका वैल्यू होता है 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ साइन थीटा बराबर है रूट 3/2, साइन थीटा का ऐसे फार्मूला होता है पी बाई एच, तो कहीं ना कहीं पी दिया बाई एच दिया हुआ है, तो बी निकाल सकते हैं आप, बी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इन टू का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 यानी 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो निकल गया। अब इसका वैल्यू निकालना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो आपको पता है कि कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है एच बाई बी, एक मिनट, एच बाई पी होता है, तो एच कितना है 2 और पी कितना है यानी इसी का उल्टा 2/√3, और कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी 1/√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/√3। रेशनलाइज कर दीजिए, रूट थ्री से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो 3√3/3 कैंसिल, तो इसका आंसर हो गया √3। ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। थीटा, ठीक है, तो सिंपली इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको पता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा, इस पूरे को पे ब्रैकेट दे सकते हैं आप, ब्रैकेट बोले बटा का साइन, और ये 3 sin थीटा। आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा जो होता है वो बराबर होता है sin बाय cos, यानी sin थीटा बाय cos थीटा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर sin थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 cos थीटा बराबर √3, तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा बराबर हो जाएगा √3/3, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। याद रखिएगा tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा, एकदम याद रखिए, और cot थीटा बराबर होता है यूज़ होगा तो याद रखना पड़ेगा, इसी का उलट दो तो ये cot थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक, यहाँ पर हमको जिसका वैल्यू निकालना है वो निकालना है sin स्क्वायर थीटा
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिंपली समझो यहाँ पर ये कितना है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तो बी दिया एच दिया पी निकाल लो, तो पी बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच मतलब थ्री का स्क्वायर और रूट थ्री का स्क्वायर, तो थ्री का स्क्वायर नाइन और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, नौ में तीन गया छः अंडर रूट सिक्स। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा बराबर पी बाय एच यानी रूट सिक्स बाय थ्री इसका स्क्वायर और कॉस। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ था, देखो पी बाय एच और ये बी बाई एच यानी एच कितना है थ्री है ना, तो यहाँ पर जो होगा आपका थ्री होगा, तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और ये हो जाएगा आपका थ्री, ठीक है। तो नौ और तीन का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका नौ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा छः माइनस तीन दूना छः, दो तीन छः, एक मिनट थोड़ा सा हम इसको फिर से शेयर से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो रूट सिक्स का स्क्वायर कितना हो गया सिक्स और थ्री का स्क्वायर आपका नाइन, यहाँ पर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और थ्री का स्क्वायर यहाँ पर नाइन हो गया। तो नौ छः में तीन गया तीन, तीन एकम तीन तीन नौ, वन बटा थ्री इसका आंसर होगा, एक्चुअली कितना होगा वन बाई थ्री, ठीक है। क्लियर तरीके से देख सकते हैं।